समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। तलाक होने के बाद भी पत्नी मांग रही संपत्ति में हिस्सा। पति ने एसएसपी से की शिकायत। मामला कोतवाली थाना अंतर्गत बड़ा गांव गेट चौकी का है, जहां एक महिला पति से तलाक होने के 4 साल बाद अब संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए आ खड़ी हुई। महिला का कहना है कि या तो पति उसे अपने साथ रख ले या फिर अपनी संपत्ति में आधा हिस्सा उसके नाम कर दे। ऐसे में उसका साथ उसके मायके पक्ष के लोग भी दे रहे हैं। महिला पिछले 4 दिनों से व्यक्ति के घर पर जबरन रह रही है, जिससे परेशान होकर पीड़ित पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए महिला से छुटकारा दिलाने की मांग की है। उसके साथ ही उसके परिवार जनों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई अमल में लाने की बात कही है। दीपक कुशवाहा, बड़ा गांव गेट बाहर नाना बाबू के बगीचा। मामला ये है कि मेरा 4 साल पहले से केस चल रहा था, ये सेक्शन 9 का जी शुरू से पहले से आ नहीं रही थी, तो हमने सेक्शन 9 रखने के लिए आया था। इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता था पहले, तो उस चक्कर में इनके माता पिता को बुलाया, जे आई नहीं है तो आए नहीं। हम कई बार लेने भी गए लेकिन इनके घर वालों ने आने नहीं दिया, तो हमने सेक्शन 9 का रखने का लगाया, फिर भी नहीं आई। तो जे हमने 2-3 बार आए कोर्ट में, पर उसके बाद नहीं आई, फिर हमने तलाक का डाला उस चक्कर में। तो तलाक का हमारा एक पक्षीय तलाक हो गया है। अब जे घर पे जबरदस्ती बैठी हैं, अचानक आ गई हैं 4 साल बाद घर पे, तो 15 दिन से बैठी हैं और घर पे कब्जा करी है बैठी हैं, तो ताला तोड़ने की भी धमकी दे रही हैं जे। और इनके भाई हैं जो हरिओम गजेन, तो इनको खाना देने भी आ रहे हैं घर पे, तो ये लोग जबरदस्ती धमकी दे रहे हैं ताला तोड़ने की। और ये कह रहे हैं कि मेरी बहन के नाम पूरी संपत्ति के हैं करिए नाम, और दबंगी कर रहे हैं ये लोग। हाँ, पुलिस के पास गए थे हमने, 112 भी बुलाई थी, तो उनने ये कहा था कि इसको मतलब आपका यहाँ पे कोई हक नहीं है, आप जाइए यहाँ से, और ये जबरदस्ती बैठी है यहाँ पे। ये बड़े गाँव गेट बाहर चौकी लगती है। कम से कम 13-14 दिन हो गए हैं, वो तो जबरदस्ती बैठी है। नहीं, हमें जो कोर्ट से फैसला होगा वो मान होगा मेरे को बस।